चार धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बड़ा दावा, कहा यात्रा को लेकर पूरी है सरकार की तैयारी। अतिथि देवो भव की तर्ज पर होगा चार धाम यात्रियों का स्वागत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने चार धाम यात्रा को लेकर धामी सरकार पर बोला है हमला, कहा सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं हवा हवाई दावे। यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट के अक्षत होटल में पर्यटन विभाग ने अपना निशुल्क ऑफिस खोला, जहां पर चार धाम यात्रा के लिए आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यूपी 112 इमरजेंसी सेवा से यूपीडा 1033, ईडा 1070 और आपदा 1077 हेल्पलाइन नंबर को जोड़ा जाएगा। 3600 करोड़ रुपए के खर्च पर यूपी 112 को अपग्रेड किया जाएगा। 1304 पहिया और 502 पहिया वाहनों को भी जोड़ा जाएगा। यूपी में रिटायर्ड कर्मियों की भर्ती करेगा परिवहन निगम, निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद सेवा शर्तें और मानदेय तय। प्रबंध निदेशक ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को सर्कुलर जारी किया। यूपी के कंपोजिट स्कूल में इंटर तक की पढ़ाई की तैयारी, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में मिल पाएगी इंटर तक की शिक्षा। कंपोजिट स्कूल में प्राथमिक जूनियर स्तर की एक साथ होती है पढ़ाई। कोविड वैक्सीन लगाने की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, केंद्र को टीकाकरण के दुष्परिणामों को प्रकाशित करने के निर्देश दिए। प्रयागराज में रविवार को मिले कोरोना के 6 नए मामले, जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 23, होम आइसोलेशन से एक मरीज हुआ स्वस्थ। अब तक 78,506 लोगों ने होम आइसोलेशन पूरा कर लिया है। रविवार को 5,132 लोगों की कोविड टेस्ट भी हुई। कोरोना संक्रमण ने फिर से पकड़ी रफ्तार, देश में 3,157 नए कोरोना मामले, 19,000 के पार एक्टिव मरीज। अब तक 42,53,89,076 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज। हरिद्वार में मास्क को लेकर सख्त हुआ प्रशासन, डीएम ने जारी किया है आदेश, बिना मास्क में घूमते हुए पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पुलिस ने चार बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, इनमें से दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, दो बदमाशों को पुलिस ने घेर कर पकड़ा। लूट के इरादे से बाइक पर सवार होकर जा रहे थे चारों बदमाश, उन पर कई संगीन मुकदमे दर्ज, कई अपराधों को दे चुके हैं अंजाम। हाल ही में सराफा व्यापारी से की थी लूटपाट। शाहजहांपुर में गैंगरेप के बाद वीडियो वायरल करने पर एक्शन, पुलिस ने दर्ज किया केस, 5 आरोपियों में 3 नाबालिग, पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। बागपत के छपरौली थाने में घुसकर दारोगा और सिपाहियों पर ईंट और सरिये से हमला हुआ, मानसिक रूप से कमजोर शख्स ने मारपीट की, दारोगा समेत 4 सिपाही घायल हुए, पुलिसकर्मियों ने किसी भी तरीके से आरोपी को पकड़ा। लखनऊ के हाशिमऊ गांव के प्रधान के भाई को 4 बदमाशों ने गोली मारी, पुरानी रंजिश में हमले का आरोप, लोही अस्पताल में भर्ती, वारदात के बाद आरोपी फरार। मुजफ्फरनगर में शनिवार देर रात के द्वई नगर में गुजरात एटीएस और लोकल पुलिस की छापेमारी से हड़कंप, एक मकान से टीम ने करोड़ों रुपए की हेरोइन बरामद की, गुजरात एटीएस आरोपी हैदर और बरामद माल को लेकर लौटी है वापस। बिजनौर के कस्बा शेरकोट में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने अपने सारू की चाकू से गोद कर सरेआम रोड पर हत्या की, वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।